हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं डार्क नाइट मेटल के एक और एपिसोड के बारे में, जहाँ पर हम देखेंगे एक ऐसी बैटमैन या फिर एक ऐसी बैटवुमन जो एक्वामैन के पावर्स के साथ अपनी दुनिया तबाह कर चुकी है और अब वो बढ़ रही है हमारे अर्थ के एक्वामैन के होम टाउन की तरफ, जहाँ पर वो तबाही मचा कर पूरी सिटी में पानी भर देती है और वहाँ सभी लोगों को मार कर उस सिटी में तबाही का नज़ारा देख रही थी कि तभी वहाँ पर एक्वामैन आकर उसे रोकने की कोशिश करता है और यही से आज का एपिसोड शुरू होता है, बैटमैन द ड्राउंड। एक्वामैन उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और पूछता है तुम आखिर ऐसा क्यों कर रही हो, लेकिन उसके जवाब में ड्राउंड उसे मारने लगती है और खुशी से कहती है कि मुझे पता था कि ये होगा और ये एक्वामैन है, मेरे वर्ल्ड के जेंडर का रिवर्स वर्जन, लेकिन ये बहुत ही स्लो और बहुत ही वीक है। और तभी मेरा उस पर हमला करती है और पानी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि ये वाटर उसके समुद्र का नहीं बल्कि डार्क मल्टीवर्स का था और वो उसे हमला करके दूर फेंक देती है। और तभी एक्वामैन उस पर हमला करता है, जिस पर वो खुद से कहती है मैं पहले भी अटलांटियंस से लड़ चुकी हूँ और उसमें से बहुतों को मार चुकी हूँ। और तब हम देखते हैं अर्थ -11, यहाँ पर वो कह रही थी वो मेरे वर्ल्ड में कुछ सालों पहले ही अपीयर हुए थे, ना जाने कहाँ से वो अपने लीडर के ऑर्डर के अंडर हमारे साथ शांतिपूर्ण समझौता करने आए थे, ऐसा उनका कहना था, लेकिन मुझे पता था कि ऐसा नहीं होगा और मैं अपने वर्ल्ड को सुरक्षित रखना चाहती थी और ऐसा करने के लिए मैंने उन पर हमला कर दिया और जैसा कि मैं जानती थी वो बिल्कुल भी भरोसा करने के लायक नहीं थे। और तभी वो एक्वा वुमन के साथ फाइट करते हुए उसका ट्राइडेंट उसी के सीने के आर पार कर देती है। ब्राइस वेन आगे कह रही थी उन्होंने मेरी सिटी गौतम तबाह कर दी और उनसे लड़ने के लिए मैंने खुद पर सर्जरी की म्यूटेट हाइब्रिड डीएनए के साथ और मैंने खुद को इस काबिल बनाया कि मैं पानी में सांस ले सकूं और उनकी शर्तों पर उनसे लड़ सकूं। इस वजह से मुझे एक्सेलरेटेड हीलिंग फैक्टर मिल गया और मैं वाटर को कंट्रोल करने लगी और इसी तरीके से मैंने अपनी आर्मी डेड वाटर बनाई और मैंने उन सबको हरा दिया, लेकिन इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ी अपने वर्ल्ड को तबाह होता देखकर। और एक रात एक डार्क सिग्नल मिला, वो आदमी जो हंस रहा था वो मुझसे कह रहा था मुझे पता है ब्राइस कि तुम किसी पर भरोसा नहीं करती और करना भी नहीं चाहिए, इस सब की वजह तुम नहीं हो, इस सब की वजह है लाइट और मैं तुम्हें अपने साथ मिलाने का ऑफर देने आया हूँ। और उसने मुझे दिखाया कि मेरे जैसे ही कुछ लोग किसी बारबाडोस के लिए काम कर रहे थे और उसने मुझे ये ऑफर दिया अपने साथ काम करने का और वो कह रहा था कि ये सब उस लाइट की वजह से हुआ है, वो लाइट जो किसी और वर्ल्ड में हमेशा हमेशा से है, हमें उसे तबाह करना है और हमें तुम्हारे जैसी किसी नाइटमेयर की जरूरत है। और मैं चल पड़ी अपने मिशन को पूरा करने और द ड्राउंड खुद से कह रही थी और इसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। और तब हम देखते हैं अर्थ जीरो पर मेरा और एक्वामैन अभी भी उससे लड़ रहे थे और वो अपने डेड वाटर की आर्मी बाहर निकाल कर कहती है मेरे वाटर के साथ मेरे रूम जाएंगे और इसीलिए मैं अपनी आर्मी साथ लाई हूँ। और तब डेड वाटर्स उन सभी पर हमला करने लगते हैं। तब एक्वामैन मेरा से कहता है मेरा तुम्हें यहाँ से बाहर निकलकर जस्टिस लीग को इन्फॉर्म करना होगा इस खतरे के बारे में, और वो इसलिए वहाँ से जा ही रही थी कि तभी ब्राइस वेन उसे पकड़ कर कहती है तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम इसे रोक नहीं सकती और अब तुम मर्ज होगी डेड वाटर के साथ। और इसके साथ वो उसे भी एक डेड वाटर बना देती है और अपनी एक्वाकनेसिस पावर के साथ वो एक्वामैन को भी मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ी रही थी। और एक्वामैन को ये लग रहा था कि अब कोई होप नहीं है, मेरा से बचने का कोई भी तरीका नहीं है, ये सब यहाँ पर ही खत्म हो जाएगा। और तभी डॉक्टर फेट का पोर्टल वहाँ पर ओपन हो जाता है और डॉक्टर फेट एक्वामैन को अपने पास बुला लेते हैं। तब वो सिंबल और वो पोर्टल देखकर ब्राइस वेन चौंक जाती है क्योंकि उसने अपने वर्ल्ड में कभी भी ऐसा सिंबल या फिर डॉक्टर फेट का नाम तक नहीं सुना था, इस वजह से वो अभी भी शॉक में थी। लेकिन वो उस सिटी की तरफ देखकर कह रही थी ये रही मेरी लाइट, ये रहा मेरा सिग्नल और अब ये वर्ल्ड पूरी डार्कनेस में चला जाएगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और साथ ही साथ आप मुझे इस वीडियो के बारे में कोई और डिटेल्स या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन भी कमेंट कर सकते हैं क्योंकि मुझे नहीं पता। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।